नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सी अश्विनी रस्तोगी। आप सबकी काफ़ी क्वेरी हैं कि फॉर्म 10 बीडी क्या है, फॉर्म 10 बीई में कैसे जो है डोनेशन की रिसीट जनरेट करनी है। अगर आप चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है तो जो भी आपने दान प्राप्त किया है, डोनेशन रिसीट की है, उसकी रिपोर्टिंग फाइनेंशियल ईयर 21-22 की साल में एक बार 31 मई 2022 तक करनी है। अगर आप फॉर्म 10 बीडी की रिपोर्टिंग इस फॉर्म में नहीं करेंगे तो डोनेशन को जो डोनर ने अपना डोनेशन दिया है उसकी डिडक्शन उसको फॉर्म अंडर सेक्शन 80G में नहीं मिलेगी। साथ में आपको फॉर्म 10 बीई भी जनरेट करना है। तो आइए समझते हैं ये ऐसा क्यों किया गया है, क्या नए लॉ में चेंजेस किए गए हैं। लास्ट ईयर एक नोटिफिकेशन इशू की गई थी जिसमें फॉर्म सेक्शन रूल 18AB अमेंड किया गया। उसमें ये कहा गया अगर आप 80G सब सेक्शन 5 में रजिस्टर्ड हैं तो 80G सब सेक्शन 5 क्लॉज 7 के अंतर्गत आपको एक रिपोर्टिंग करनी है जो फॉर्म 10 BD में होगी, 31 मई 2022 तक होगी, साल में एक बार करनी है। साथ में अगर आप कोई रिसर्च डेवलपमेंट एक्टिविटी में भी इंगेज हैं, आपका रजिस्ट्रेशन 35 में हुआ है, तो आपको सेक्शन 35 सब सेक्शन 1 कैपिटल ए क्लाउज 1 में भी आपको 10 बीडी की रिपोर्टिंग करनी है। 10 बीडी कैसे फाइल करना है, अगर 10 बीडी ना फाइल किया गया तो क्या पेनल्टी है। अगर 10 बी 31 मई तक फाइल नहीं किया तो ₹200 पर डे की पेनल्टी है जो लेट फीस के बतौर आप पे लगाई जाएगी फॉर्म अंडर सेक्शन 234G में। साथ में अप टू 1 लाख रुपीज की पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। तो ये प्रोसेस क्या है, आपको अपना जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है उसका पैन नंबर से इनकम टैक्स पोर्टल लॉगिन करना है। इनकम टैक्स पोर्टल पे फॉर्म्स में जाएंगे आप तो फॉर्म 10 बीडी आपको फिलअप करना है। 10 बीडी में बेसिकली थ्री टाइप की कैटेगरी हैं कि आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन भरनी है, डिटेल डोनेशन का भरना है और वेरिफिकेशन आपको अपना करना है। ठीक है, तो फॉर्म 10 बीडी फाइल करना है। बेसिकली ये क्यों किया गया है कि अगर आप 10 बीडी फाइल नहीं करते हैं तो उससे आपके जो डोनर है उसके पोर्टल पे 26 ईयर्स में डोनेशन नहीं जाएगी। कोई भी आप डोनेशन लेते हैं तो डोनेशन का आप रिसीट जारी करते हैं तो बेसिकली ये रिसीट जारी करने का एक ऑनलाइन माध्यम दिया जा रहा है कि आप जो भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है अपनी सारे लिए गए दान की रिपोर्टिंग करें 10 बीडी में और उसके लिए 10 बीई में उसकी एक डोनेशन रिसीट जारी करें। इससे क्या होगा कि जो डोनर है उसको ऑनलाइन फॉर्म 26 ईयर्स में ही अपना डोनेशन की अमाउंट मिल जाएगी और इनकम टैक्स रिटर्न में ऑनलाइन अपडेट हो जाएगा। अब 10 बीडी आने से क्या क्या हुआ है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। एनोनिमस डोनेशन जो गुप्त दान है, इस तरीके की अगर आपने कोई डोनर की कोई आइडेंटिटी आप पे नहीं है, उसका पैन नंबर नहीं है, आधार कार्ड नहीं है या एड्रेस नहीं है और आपने ऐसा डोनेशन दिखा रहे हैं तो सेक्शन 115BBC में ये टैक्सेबल होता है इन और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन पे इसका मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे टैक्स किया जाता है 30% पे, क्योंकि आपने एनोनिमस डोनेशन गुप्त दान लिया है और वो 1 लाख रुपये या टोटल डोनेशन का 5% विच एवरेज हायर से ज़्यादा है तो सेक्शन 115BBC में ये टैक्सेबल होगा। हाँ, डोनर को तो रेस्ट्रिक्शन है, ₹2000 से ऊपर वो कैश में डोनेशन नहीं कर सकता, पर डोनी को कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो रिसीट नहीं कर सकता। अगर आपने कोई कैश में डोनेशन करी है दैट इज़ मोर देन 2000 तो आपको 80G में उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। बट डोनी आप चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन आपको कोई आपने इस तरीके का डोनेशन लिया है तो हाँ आप वो रिपोर्ट कर सकते हैं और उसमें आपको डोनर का पैन नंबर डालना है तो वो एनोनिमस डोनेशन काउंट नहीं होगा। आपने कोई 12AB में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है,
ये 31 मार्च 22 तक सेक्शन 12 ए बी नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है इनकम टैक्स एक्ट में। अगर आपका एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन है सेक्शन 12 ए में या आप कोई नई चैरिटेबल रिलीजियस पर्पस से एक्टिविटी कर रहे हैं तो चैरिटी के लिए आप सेक्शन 12 ए बी में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, तो वो भी करा सकते हैं। तो हम देखते हैं कि अगर आपने कोई जो कंडीशन है सेक्शन 13 की फॉलो नहीं करी तो कमिश्नर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। आपका जो आपने एग्जम्पशन क्लेम करी थी सेक्शन 11 में वो टैक्स कर सकता है और वो टैक्सेबल हो सकती है सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 के अंतर्गत, जो विदाउट कंसिडरेशन आपने डोनेशन ली है वो टैक्स हो जाएगी। साथ में आप पे उस डोनेशन पे एक न्यू सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है 115 बीडी में, वो मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे टैक्स हो जाएगी। तो बेसिकली ये एक बहुत महत्वपूर्ण चेंज है। अगर आपने कोई भी डोनेशन ली है तो आप फॉर्म 10BD में उस पर रिपोर्ट कीजिए। साल में एक बार रिपोर्टिंग करनी है। फाइनेंशियल ईयर 21-22 की रिपोर्टिंग की लास्ट डेट 31 मई है। जब आप रिपोर्टिंग कर देंगे तो फॉर्म 10BD-BE जनरेट हो जाएगा जो डोनर को रिसीट दे सकते हैं। अगर आपने उस डोनर का पैन नंबर रिपोर्ट कर दिया तो उसको ऑटोमेटिकली फॉर्म 26AS में ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा डोनर के। साथ में इसमें कोई ये मैंडेटरी नहीं है कि डोनर का पैन नंबर ही रिपोर्ट करें। अगर आप पे उसका आधार नंबर है या कोई और आइडेंटिटी नंबर है तो आप वो भी रिपोर्ट कर सकते हैं। बट इससे क्या होगा, उसने आपने पैन नंबर रिपोर्ट नहीं किया तो उसका फॉर्म 26AS में ऑटो पॉपुलेट नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली प्रोसेस बहुत आसान है। ऑनलाइन आपको साइट पे जाना है, फॉर्म 10BD सेलेक्ट करके आपने अपनी बेसिक डिटेल और डोनेशन की डिटेल देनी है और वेरिफिकेशन करके सबमिट करना है। तो कंटेंट क्या क्या है फॉर्म 10BD में? बेसिकली कंटेंट एक प्री एक्नॉलेजमेंट नंबर है, वो आपको ब्लैंक छोड़ देना है क्योंकि ये एक्नॉलेजमेंट नंबर सिस्टम अपने आप ही जनरेट करेगा हर डोनर के लिए। आपको डोनर का आईडी नंबर डाल सकते हैं, उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, जो भी है आपको। सेक्शन सेलेक्ट करना है कि ये डोनेशन मैंने किस सेक्शन में लिए, 80G में या 35 में। आपको अपना URN नंबर डालना है। ध्यान रहे, मैंने जैसे बोला कि आपको URN नंबर के लिए सेक्शन 12AB में अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। अगर नहीं कराया तो फॉर्म 10BD तो आप भर ही नहीं पाएंगे। डोनर का नाम, एड्रेस आपको ज़रूर डालना है। अगर नेम, एड्रेस नहीं मेंशन करेंगे, उसका पैन नंबर नहीं डालेंगे तो क्या होगा, वो एनोमिनस डोनेशन काउंट होने का खतरा है। सेक्शन 115BBC में एज ए चैरिटेबल इंट्रोडक्शन आपकी इनकम टैक्स कर दी जाएगी। डोनेशन का टाइप डालना है कि भाई कॉर्पस फंड है या फॉर स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया गया है या किस डोनेशन का। मोड कैश है, एज ए डोनर कैश दे सकता है बट उस पर रेस्ट्रिक्शन है, 2000 रुपये से ऊपर नहीं ले, क्योंकि अगर 2000 से ऊपर ले वो डोनेशन करता है तो उसको डिडक्शन नहीं मिलेगी। दिस इज अमेंडमेंट इन फाइनेंस एक्ट 2017। बट एज ए डोनी आप पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आपको कैश में आप अगर कोई डोनेशन ली है तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। बट यहाँ पर एनोमिनस का एक इशू है, आपको उसकी आइडेंटिटी जरूर डालनी है। अगर 1,00,000 रुपये से ऊपर 5% से टोटल डोनेशन से ऊपर हो जाता है तो 115BBC में टैक्स हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल तरीका है। सब अपना फॉर्म 10BD टाइमली फाइल करें, नहीं तो 200 रुपये पर डे की पेनल्टी लगाई जाएगी, लेट फीस लगाई जाएगी और साथ में पेनल्टी का भी प्रावधान है जो अप टू 1,00,000 रुपीज़ तक का है। धन्यवाद दोस्तों, होप सो यू लाइक दिस वीडियो। Any query, you can directly reach to me. Thank you.